हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में आज हम यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन अलंकार से संबंधित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार हैं, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उपरोक्त पंक्तियों में चा वर्ण की आवृत्ति है। चारु चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। इसमें मनुष्य शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, दोनों का अर्थ आदमी है, पर तात्पर्य या अन्वय के में भेद है। पहला मनुष्य करता है और दूसरा संप्रदान। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या में भेद हो, वहाँ लटानुप्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन करिए। और ये क्वेश्चन पहले के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार होगा। इसका आंसर होगा यमक। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, काली घटा का गमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार है ऑप्शन ए, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंग लय सारंग चली गई, सारंग की ओट सारंग छीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। इसमें कौन सा अलंकार विद्यमान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंदो रघुराही में कौन सा अलंकार है। और ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा सी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। और ये होगा रूपक अलंकार। इसमें अंबर तारा और उषा ये उपमेय हैं और पनघट घट और नागरी उपमान है। पद नहीं आए हैं और वाचक पद नहीं आए हैं और उपमेय तथा उपमान दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते, इसमें कौन सा अलंकार है। इसका आंसर होगा दृशांड अलंकार। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चल गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसका आंसर होगा उपमा अलंकार। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे धीरे, इसमें कौन सा अलंकार है। इसका आंसर होगा मानवीकरण। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रस्तुत पंक्ति निराला जी के काव्य से उद्धृत है। इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार के सौंदर्य से निराला का काव्य संपन्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे अलंकार होता है अर्थांतर न्यास। उसका उदाहरण है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष पर्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? और इसका आंसर होगा अनुमान। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार वर्णन अनुप्रास अनुमान अलंकार का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुण वाचक। कुशाग्र गुण की विशेषता बताता है अतः यह गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के दोष गुण रंग आकार स्वभाव या स्थिति आदि का बोध कराता है गुणवाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हाँसी। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें होगा विशेषोक्ति। जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य नहीं होता वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है क्योंकि मछली पानी में ही रहती है फिर भी प्यासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीप सा मन जल चुका है इसमें वाचक शब्द है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सा। वाचक शब्द है सा। दीप सा मन जल चुका है इस पंक्ति में वाचक शब्द सा है। उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहा जाता है जैसे ज्यों सम सा सी तुल्य न्यायी। ये अलंकार से रिलेटेड सारे क्वेश्चन से जो UP SSC के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मुहावरों के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।